हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। यूनिटी जिंदाबाद, गन यूनिटी जिंदाबाद, गन यूनिटी जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मजदूरी है 7,000 सरकार। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्टैंड यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्टैंड यूनिटी जिंदाबाद। हम इंटर्न डॉक्टर ने 7 दिन पहले मुख्यमंत्री व चिकित्सा सचिव को ज्ञापन दिया था इसके लिए कि जो सरकार ने 19 अक्टूबर 2020 को हमारी मांगों को जो स्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने माना था कि 14,000 प्लस DA कर दिया जाएगा इंटर्न स्टाइपेंड, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने आश्वासन तभी दे दिया था, हमारा प्रयास तब से निरंतर चल रहा है 7 महीने से कि हम सरकार को बोल सके कि लागू करे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई लागू नहीं किया है। 7 दिन पहले हमने ये ज्ञापन दिए दोनों को, मुख्यमंत्री और चिकित्सक सचिव को, कि इस निर्णय पे देखा जाए, लेकिन उन्हें उसके बाद भी कोई सकारात्मक आदेश नहीं आया। इसी कारण हमने 4 दिन से सांकेतिक कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें हम 8 सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हमने अपने जो पेशेंट्स हैं उनको देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार ही किया है, लेकिन सरकार ने हमको परसों हमको ये आश्वासन दिया था कि कल शाम तक, कल 19 मई 2021 तक शाम तक हम कोई भी सकारात्मक आदेश लेकर आएंगे, लेकिन सरकार के स्पष्ट ऑर्डर ना आने के कारण हमने ये निर्णय लिया है कि आज का अल्टीमेटम और दे रहे हैं शाम तक। अगर शाम तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो कल से हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर हैं, समस्त इंटर्न डॉक्टर राजस्थान मेडिकल कॉलेज के। समय सर, अगर पेशेंट्स को देखा जाए तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये हमारी मांगे आज की नहीं है, ये हमारी मांगे 7 महीने से चल रही है, और सरकार हमें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है क्या होगा होगा। अब पिछली बार भी सरकार ने ये बोला था कि हम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जल्दी से लागू कर देंगे, पर ऐसा आज अब 7 महीने बीत गए हैं सरकार के टालने के कारण, अब हमें यह कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार को भी ये समझना चाहिए ना कि अब जब हम इतना काम कर रहे हैं। सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमें 12-12 घंटे की ड्यूटी देकर आए ना रात को, उसमें भी अगर इंटर्न को सिर्फ 7,000 रुपये अगर मानदेय मिल रहा है तो ये कितनी शर्म की बात है। ये हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है। अब ऐसे टाइम पे हम भी हमारी सेवा देना चाहते हैं, हम भी ऐसा कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहते। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हमारी भी इच्छा यही है कि हम भी जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनके तरफ हम अपनी पूरी सेवा दें।